दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल शाह के अंदर आज इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो फोन पे में, और उससे अच्छा खासा कैशबैक भी आप ले सकते हो। और आपका कोई दुकान है तो आप या शॉप है तो आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सेप्ट करके आप कैसे अच्छा खासा कैशबैक भी आप ले सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट प्रोसेस है ये मैं आपको लाइव प्रूफ करके दिखा दूंगा फोन पे में, और कैसे आपको कैशबैक मिलता है और उस कैशबैक को कैसे आप बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सारा कुछ लाइव है, आप वीडियो अंत तक देखते रहे। और मेरा इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के, और साथ में जो ये बेल आइकन आता है उसको भी दबा लीजिए क्योंकि आपको ऐसे लूट्स और कैशबैक का वीडियो देखना है। तो चलिए हम आज का टॉपिक को जो शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक को फॉलो करके आपको प्ले स्टोर में आके इस फोनपे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, और आपको साइन अप करने के समय ध्यान रखना है कि आपको ना बैंक में जो भी नंबर रजिस्टर हो उस नंबर से आपको यार रजिस्टर कर लेना है। तो चलिए रजिस्टर कैसे करना है, रजिस्टर करने के लिए आपको रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, और आपका आपका मोबाइल नंबर, फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कुछ कोई भी एक पासवर्ड चूज करके आपको कंटिन्यू पे ऑप्शन निशान पे क्लिक करके आपको ओटीपी वेरीफाई करके आपका जो अकाउंट जो है आपको बना लेना है। तो चलिए मैं साइन इन कर लेता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट है तो आप देख सकते हैं मैं मेरा नंबर डाल के साइन इन कर लिया हूँ। साइन इन करने के बाद आपके सामने फोनपे का एप्लीकेशन जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ओपन होने के बाद आपको माई अकाउंट सेक्शन में आके बैंक अकाउंट सेक्शन में आ जाना है। तो अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है, आप नीचे में देख सकते हैं ऐड न्यू बैंक अकाउंट वाला लिखा है, आपको वैसे आपका अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लेना है। मेरा पहले से पेटीएम पेमेंट बैंक ऐड है तो इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करने के बाद ये जो मेरा बैंक अकाउंट है ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। देखने के लिए आपको ऑफर सेक्शन में आ जाना है। आने के बाद आपको बिल पे नाम की एक ऑप्शन दिख जाएगा। आने के बाद आपको वहाँ सबके ऊपर में एक ऑप्शन दिखेगा कि आप 275 कैशबैक, वो जो आपको बिल पे ऑप्शन दिख रहा है आपको वहाँ पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखा आप 275 कैशबैक, ये आपके 10% का हिसाब से कैशबैक मिलता है। और पेमेंट मेथड आपको सिलेक्ट करने UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और आप वॉलेट बैलेंस से करोगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। दिखा देता हूँ आपको कैसे बिल देना है। बिल देने के लिए आपको होम पर आ जाना है, और आपको स्क्रॉल डाउन करके आपका इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन दिखाकर आपको उस ऑप्शन में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चूज करना है, जैसे मेरा है WBACDCL। फिर आपको कस्टमर आईडी डालना है, फिर आपका मोबाइल नंबर या आपको डालना है। डालने के बाद आपको नीचे में एक कॉन्फर्मेशन ऑप्शन दिखाएगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको आपका बिल दिखाएगा, आपको कितना बिल दिया है, जैसे मेरा 711.82 रुपये है। और आपको पहले आपको कन्फर्म करना है क्या यही आपका कस्टमर आईडी है। फिर आपको नीचे में ऑफर आपको अप्लाई दिख रहा है कि 71.18 रुपये जो मुझे कैशबैक मिलेगा। तो इस बिल को आपको देने के लिए आपको पे बिल ऑप्शन में सिंपली क्लिक कर देना है। पे बिल ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको आपका UPI पिन मांगेगा, आपको उस UPI पिन दे देना है। फिर आपका कन्फर्म करना है, और विद इन 72 आवर्स के अंदर जो है आपको आपका बिल जो है आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर आपको आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो मैं पे बिल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने UPI पिन मांगेगा, तो मैं उस UPI पिन को दे देता हूँ। देने के बाद मैं पे कर देता हूँ। पे करने के बाद आप देख सकते हैं अभी ये कन्फर्म हो जाएगा। कन्फर्म होने के बाद मेरे अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा, एंड मेरा इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है उसमें जो है पैसा क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं मेरा जो है पैसा जो है दे ले लिया है काट के, और कैशबैक भी जी मुझे रिसिप्ट हो गया 71.18 रुपये। तो चलिए मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ, तो मुझे कैशबैक रिसिप्ट हुआ है या नहीं। तो कैशबैक रिसिप्ट देखने के लिए आपको जाना है ट्रांजेक्शन पर। ट्रांजेक्शन पर जाने के बाद आपको दिखाएगा कि आपका कैशबैक आया है नहीं। तब देख सकते हैं कैशबैक ऊपर में लिखा है 71.18 रुपये, और नीचे में लिखा है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने के विद इन 72 आवर्स के अंदर जो है आपको कैशबैक रिसीव हो जाता है। और आपको मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे ये जो है आपको कैशबैक जो है आपका बैंक में ट्रांसफर करना है। उसके लिए आपको गोल्ड ऑप्शन में आके आपका अमाउंट एंटर कर देना है जो भी आपको कैशबैक मिला है। तो जैसे मुझे 71 रुपये मिला है तो मैं 71 रुपये लिख के मैं वॉलेट बैलेंस या पे कर देता हूँ। पे करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो गोल्ड परसेज है ये सक्सेसफुल हो गया है। होने के बाद आपको वही पे क्लिक करना है जहाँ आपको देख रहे हैं 67.80 रुपये, वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद आपको आपका अमाउंट लिखना है। लिखने के बाद आपको सेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको इस गोल्ड का वैल्यू है 67 रुपये। तो आपको मिला है, मुझे मिला है 71 रुपये कैशबैक, और इसका जो है इसका वैल्यू है 67 रुपये। तो टोटल मुझे 67 रुपये कैशबैक रिसीव होगा मेरा बैंक पे। बट विद इन 72 आवर्स के अंदर जो आपका पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो यही था आज का पूरा का वीडियो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आप मेरे इस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजा देना। तब तक के लिए गुड बाय।